हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे बाय द नेम ऑफ मशीन लर्निंग रोड मैप फॉर 2022, और बहुत लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि हमें डेटा एनालिस्ट का भी रोड मैप चाहिए। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव अ कम्प्लीट एंड टू एंड रोड मैप ऑन हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा पिछले वीडियो की तरह, बट सारे के सारे रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ अ रोड मैप मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सारे रिसोर्सेज कम्प्लीटली फ्री रहेंगे, और नॉट ओनली मैं रोड मैप शेयर करूँगा इस वीडियो में, मैं डेटा एनालिस्ट का जो जॉब है उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए हैं शुरू करने के वक्त, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा एनालिस्ट रोड मैप फॉर 2022। सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ रोड मैप डिस्कस नहीं करेंगे, हम और भी कई चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिस्ट होता कौन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि उसको डे टू डे लाइफ में क्या काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द डेटा एनालिस्ट जॉब, जैसे कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं, एवरेज सैलरी क्या है, फ्यूचर कैसा है इस जॉब का, इस तरह की बातें हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड, कौन डेटा एनालिस्ट बन सकता है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या स्किल सेट चाहिए आपको एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। फाइनली रोड मैप और रिसोर्सेज में आपके साथ शेयर करूंगा, और लास्ट में जाते जाते रोड मैप कवर करने के बाद आपको क्या चीजें करनी चाहिए जॉब लेने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉट ओनली ये एक रोड मैप है, बट डेटा एनालिस्ट जॉब का एक पूरा ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता कौन है। ठीक है, मुझे डेफिनेशन इंटरनेट से मिला और मुझे लगता है ये एकदम सही डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अ डेटा एनालिस्ट गैदर्स, क्लीन्स एंड स्टडीज डेटा सेट्स to help solve business problems by deriving meaningful insights. इससे बढ़िया definition नहीं है data analyst का. Data analyst का काम वही है जो उसका नाम है, data का analysis करना, ठीक है, और फिर उसके अंदर से meaningful insights निकालना जो एक business problem को solve करे। ठीक है, अब मैं आपको एक example दे सकता हूँ। Let's say आप एक company run कर रहे हो और इस financial year में आपको loss हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक data analyst को बुला सकते हो और उसको अपने पिछले एक साल का पूरा डेटा, जो भी आपके वेबसाइट के थ्रू, आपके ऐप के थ्रू यूजर्स ने जनरेट किया, वो डेटा उसको प्रोवाइड करके आप उससे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बताओ हमारी कंपनी को लॉस क्यों हुआ। ठीक है, अब वो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा कि वो उस पूरे डेटा को समझेगा, उसमें अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसको करेक्ट करेगा, और फिर फाइनली वो एक कंक्लूजन पे रीच करेगा कि दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपकी कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है, डेटा को एनालाइज करके एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही डेटा एनालिस्ट का काम है। ठीक है, बट इसके अलावा और भी चीजें करता है एक डेटा एनालिस्ट, वही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि टू डिराइव मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम डेटा टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम, ये तो आप करते ही हो। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, लेट्स से जो आपके मैनेजर हुए या फिर डायरेक्टली सीईओ हुआ, उनके सामने आपको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि डेटा एनालिस्ट को सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, उसके सॉफ्ट स्किल्स एज इन कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली आपको रिपोर्ट मेकिंग और उसको प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज जो बहुत करवाई जाती है डेटा एनालिस्ट लोगों से, वो है बाय बिल्डिंग डेटा डैशबोर्ड्स। सो डेटा डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लेट्स से हम लोग ओला में काम करते हैं, तो आई एम अ मैनेजर और मेरा काम है डे टू डे बेसिस पे देखना कि ऑपरेशन सही से रन हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके जैसे एक डेटा एनालिस्ट को ये काम दूंगा कि तुम मेरे लिए एक वेब डैशबोर्ड बनाओ जहां पे रियल टाइम में
पूरे टाइम ये दिखाई देता रहे कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है, हर घड़ी कितने कितना सेल हुआ, इस मंथ कितना सेल हुआ, इस वीक कितना सेल हुआ, कितने ड्राइवर्स अभी एक्टिव हैं, कितने ड्राइवर्स अभी इनएक्टिव हैं, कौन सा डिस्काउंट चल रहा है, किस डिस्काउंट पे कितना सक्सेस रेट है, ये सब कुछ आप मुझे बना करके एक सिंगल डैशबोर्ड में दो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत काम करवाया जाता है डेटा एनालिस्ट लोगों से कि उनको डेटा डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स जहां पे इनसाइट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल हो मैनेजर्स या फिर जो भी सीनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका काम होता है डेटा बेसिस के साथ काम करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसमें चेंजेस करना, वहां से डेटा लाना, उसके ऊपर काम करना, ये भी आप बहुत करते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। बहुत बार ऐसा होगा कि आप डे टू डे बेसिस पे डेटा बेसिस के साथ काम करोगे, एंड दैट इज वाई ऐसा बोला जाता है कि डेटा एनालिस्ट को सीक्वल और नो सीक्वल का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग टूल्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा सोर्सेज। सो कई बार डेटा छुपा हुआ रहता है या फिर सेकेंडरी सोर्सेज में रहता है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, तो वहां से डेटा को लाना वो भी आप ही का काम है एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, ETL पाइपलाइंस बनाना, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ये भी आपके ही जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप डे टू डे बेसिस पे करते हो, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी, आपको ये सारे काम भी करने पड़ सकते हैं या फिर इनमें से एक दो काम करने पड़ सकते हैं। ठीक है, बट आई गेस यू गेट द आइडिया कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नाउ एक बहुत बड़ा डाउट बहुत बिगिनर्स को आता है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों कंप्लीटली अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं, और ऑनेस्टली डेटा साइंटिस्ट ज्यादा बड़ा और ज्यादा मेन जॉब प्रोफाइल है, डेटा एनालिस्ट इज अ सबसेट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ऐसा बोला जाता है कि डेटा साइंटिस्ट वो सारे काम कर सकता है जो डेटा एनालिस्ट करता है, बट डेटा एनालिस्ट सारे काम नहीं कर सकता डेटा साइंटिस्ट के। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि दोनों के काम में क्या डिफरेंस है। लेट्स से हम लोग अमेजॉन में काम करते हैं, और अमेजॉन में रिसेंटली हमने नोटिस किया कि जो हमारे यूजर्स हैं वो एक पेज से दूसरे पेज पर उतना नहीं जा रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट पेज से दूसरे प्रोडक्ट पेज पे उनका जो ट्रांजिशन है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को उठा के ला सकते हैं और हम एक डेटा एनालिस्ट को बिठा के बोल सकते हैं कि बताओ इसका क्या रीजन है। तो उसने फिगर आउट किया कि हम जो सजेशंस दे रहे हैं नीचे यू मे ऑल्सो लाइक वाले प्रोडक्ट में उसका सिमिलैरिटी बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि उसने जैसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और प्रेजेंट किया, उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से डेटा साइंटिस्ट का काम स्टार्ट होता है। अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होगा कि ही विल बिल्ड अ रिकमेंडर सिस्टम जो ज्यादा बढ़िया रिकमेंडेशंस देगा सो दैट क्लिक्स होने लग जाए। ठीक है, अब डेटा साइंटिस्ट ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर सकता है और इसको सॉल्व भी कर सकता है, बट डेटा एनालिस्ट का काम है उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना। सॉल्यूशन मोड में जनरली डेटा साइंटिस्ट ही जाते हैं, डेटा एनालिस्ट उतना नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड एक दो बातें और आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं इंडिया में स्पेशली, तो जितना मैंने सुना है और पढ़ा है मेरे हिसाब से इंडिया में अभी देर आर मोर देन 1 लाख जॉब्स एनालिसिस के डोमेन में। ठीक है, ये एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन का सर्वे है जहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ओवर द इयर्स 2014 से लेके 2021 तक बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ है एनालिटिक्स मार्केट का। यहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ है 1,37,000। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता बट आई एम ट्रस्टिंग देयर रिपोर्ट। ऑल्सो अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ तो अगर आप डेटा एनालिस्ट सर्च करो इंडिया में पिछले 5 सालों में, तो यू वुड सी कि एक ग्रोथ दिख रहा है कि कितना पॉपुलर है ये टर्म। पिछले कुछ महीनों में थोड़ा नीचे आया है बट स्टिल यू कैन सी ये अपने पीक पॉपुलैरिटी पे था लास्ट ईयर तक भी। तो इट इज अ ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया। ओके, इनफैक्ट क्वार्ट्स जैसे वेबसाइट्स ने भी यहाँ पे आर्टिकल्स डाले हैं, इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स एनालिटिक्स जॉब्स आफ्टर द यूएस। पूरी दुनिया में यूएस के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स एनालिटिक्स डोमेन में है वो इंडिया में है। ठीक है, तो इस पूरी चीज से ये समझ में आ रहा है कि आपका जो ये जॉब फील्ड है ये ग्रो कर रहा है। ऑल दो पैंडमिक के आने से थोड़ा सा सेटबैक लगा है बट स्टिल दिस इज अ फील्ड विच विल ग्रो इन द फ्यूचर। और रीजन बहुत सिंपल है कि जिस तरीके से और ज्यादा वेबसाइट्स एप्स आ रहे हैं और ज्यादा लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं बिकॉज इंटरनेट प्लान सस्ते हो रहे हैं, इंटरनेट स्पीड फास्ट हो रहा है, और ज्यादा डेटा फ्यूचर में जनरेट होगा।
और उसमें से मीनिंग निकालने के लिए वी विल ऑलवेज रिक्वायर डेटा एनालिस्ट इन ईच एंड एवरी कंपनी। तो जैसे जैसे सारी कंपनीज डेटा सेंट्रिक होती जाएंगी उतनी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी डेटा एनालिस्ट लोगों की। तो दैट इज वाई आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इस जॉब का फ्यूचर सही है। ठीक है, सैलरीज की अगर आप बात करो तो सैलरीज भी अच्छी हैं। ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट के कंपैरिजन में उतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे चार्ट को फॉलो करो तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ यू आर अ फ्रेशर तो 3.5-4 लाख की जॉब आपकी लग जाती है इंडिया में, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपकी सैलरी 20-25-30 लाख तक भी जाती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, अगेन ये सोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस जॉब। अगेन जैसा मैंने डिस्कस किया, द फ्यूचर इज फाइन, मतलब जिस तरीके से अभी ट्रेंड्स हैं ये लग रहा है कि ये जॉब अभी और ग्रो करेगा। ठीक है, और लास्टली अगर आप बात करो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस जॉब, तो मेरे हिसाब से बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो विच इज ग्रोइंग, जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग और सैटिस्फाइंग है, बिकॉज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को बहुत हेल्प करेगा, तो मीनिंगफुल काम है। एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर आप डेटा एनालिस्ट अच्छे तरीके से बन पाते हो तो इवेंचुअली यू कैन ट्रांजिशन एंड बिकम अ डेटा साइंटिस्ट ऑल्सो। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे सही रास्ता है डेटा एनालिस्ट बन के डेटा साइंटिस्ट बनना। ठीक है, ऑब्वियसली बेस्ट है कि डायरेक्टली बन जाओ, बट डेटा एनालिसिस करने के बाद भी आप डेटा साइंस में मूव कर सकते हो। तो अगेन इट इज समथिंग जिसका बेनिफिट्स है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो जितना मैंने पढ़ा और जाना है लोगों से बात करके, अगर आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, इन चारों फील्ड्स के लोग डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट के जॉब में। ठीक है, बट ट्रस्ट मी ये चार तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैंने और बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को घुसते हुए देखा है, डेटा एनालिस्ट बनते हुए देखा है। मतलब कोई फिजिक्स का मेजर है वो घुस गया, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है वो घुस गया। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर एंथुजियाज्म लेवल कि आप कितना घुसना चाहते हो उस जॉब में। तो इट डज नॉट एक्चुअली मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, व्हाट यू रिक्वायर इज नॉलेज एंड स्किल, अगर वो आपके पास है तो फिर आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, बट ये ज्यादा प्रेफर्ड फील्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरह के स्किल सेट मुझे चाहिए है इन ऑर्डर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो तीन तरह के स्किल सेट्स आपको चाहिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्क्रीन पर है टेक्निकल स्किल्स, इट इज अ टेक्निकल जॉब, तो नो डाउट आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए आपके पास इन ऑर्डर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। वो टेक्निकल स्किल्स क्या है मैं थोड़ी देर के बाद रोड मैप में आपको समझाता हूँ। बट इसके अलावा दो और टाइप के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड डेटा एनालिस्ट। द फर्स्ट वन इज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, बट यू हैव टू बिकम समवन जो कम्युनिकेट कर पाता है, अपने थॉट्स सामने वाले के सामने रख पाता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे टाइम आप एक टीम में काम करोगे, आप स्टेक होल्डर्स के सामने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करोगे, आप अपनी बात कहोगे। ठीक है, अगर आप इस चीज में अच्छे नहीं हो तो फिर आपका ग्रोथ उतना फास्ट नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। सो ट्रस्ट मी, हम लोगों में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो टेक्निकल स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं बट अपने सॉफ्ट स्किल्स पे उतना काम नहीं करते। ठीक है, सो आपको इसके ऊपर काम करना है। कैसे करना है मैं एक दो स्लाइड्स के बाद बताता हूँ, बट यस, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेटा एनालिस्ट। द लास्ट वन इज एनालिटिकल स्किल्स, या इन शॉर्ट बोला जाए तो आपका कॉमन सेंस। ये भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा जो गेम है ना, ये कॉमन सेंस का ही गेम है। डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकालने के लिए आपको कॉमन सेंस चाहिए पड़ेंगी। इसके अलावा इसके अंदर और जो चीजें आती हैं वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कभी कभी इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, तो इन दैट केस आपका वो एटीट्यूड जो रहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है आपका, कि कहीं से भी हमें एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो मैं लग करके इसको सॉल्व करूंगा, वो मैटर करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग मैटर करेगा, और ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा एनालिटिकल केपेबिलिटी है आपका एज अ पर्सनैलिटी,
वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है। हम लोगों में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं बट सॉफ्ट स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करते, ठीक है। तो मैं एक दो पीपीटीज के बाद आपको, स्लाइड्स के बाद आपको बताता हूँ कि इन दोनों के ऊपर कैसे काम करना है। बट यस, ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में ये स्किल सेट्स डिवाइडेड है, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो गाइज, अब हम लोग उस सेक्शन पे मूव करते हैं जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। विल डिस्कस द रोड मैप। जो भी टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, उसको कैसे कवर करना है, उसको कैसे सीखना है, इस चीज का रोड मैप हम लोग अभी देखने वाले हैं। मैंने इस पूरी चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जहाँ पे मैंने सारे के सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं और उनको सीखने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत आपको पड़ सकती है वो भी लिस्ट डाउन किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट। इसको मैंने बहुत टाइम लगा के अच्छे से रिसर्च करके बनाया है। सबसे पहले तो मैंने इस पूरे के पूरे रोड मैप को चार सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको ये चार चीजें सीखनी पड़ेंगी। सो पहली चीज है कोडिंग। आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कोडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे ऐसे काम आपको दिए जाएंगे जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कभी कभी डेटा को लेकर के बहुत लो लेवल पे आपको एनालिसिस करना पड़ सकता है, तो वहां पे आप नॉट नेसेसरीली किसी टूल पे काम करोगे, तो कुछ बहुत कस्टम अप्रोच लगाना पड़ सकता है, तो वहां भी कोडिंग की जरूरत हो सकती है। तो कोडिंग मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज है जो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट सीखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेटा एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दिस इंक्लूड्स डेटा एनालिसिस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, या फिर स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग, या फिर प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग, ये हर डेटा एनालिस्ट को होनी ही चाहिए, ठीक है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टूल्स का नॉलेज। एज अ डेटा एनालिस्ट आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, एक बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलग टाइप के टूल्स पे काम करने को दिया जाए, ठीक है। जैसे कि हो सकता है एक्सेल पे काम करना पड़े या फिर टैबल्यू पे काम करना पड़े। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह के टूल्स सीखने चाहिए, ठीक है। और लास्टली, जब आप ये तीनों चीजें मास्टर कर लोगे, कोडिंग, कोर कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग द टूल्स, उसके बाद मुझे लगता है कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपका गोल शुड बी टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। जितने भी बना पाओ उतने प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाओगे ना, तो आपकी जो लर्निंग है वो सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग सेक्शन। सबसे पहले अगर आप एक स्टार्टर हो, एक बिगिनर हो, तो कोडिंग को कैसे मास्टर करना है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, वो हम लोग देखेंगे। सो कोडिंग में सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आपको कौन से लैंग्वेज में कोड करना चाहिए, ठीक है। अब दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पाइथन, दूसरा ऑप्शन है आर। दोनों ही बहुत फेमस हैं और दोनों ही यूजफुल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पाइथन सीखने के लिए। उसका रीजन ये है कि पाइथन किसी भी तरीके से कम नहीं है आर से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कल को लेट से आप ट्रांजिशन करना चाहते हो इनटू अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, तो वहां पे आपको पाइथन ज्यादा यूजफुल लगेगा, क्योंकि पाइथन में जिस तरह की लाइब्रेरीज हैं वो आर में आपको नहीं मिल पाएंगी, स्पेशली डीप लर्निंग की तरफ जब आप मूव करोगे। तो पाइथन का जो इकोसिस्टम है और जो लाइब्रेरीज हैं, जो कम्युनिटी है, वो बहुत पावरफुल है आर के कंपैरिजन में। सो दैट इज व्हाई आई फील कि आपको पाइथन सीखना चाहिए, बट अगर आप चाहो तो आर पे भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस रोड मैप को फॉलो करते करते आप कैसे 2 हफ्तों में पाइथन सीख सकते हो, ठीक है। देखो, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सबको पता है कि पाइथन एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी बिगनर के लिए इसको सीख पाना बहुत इजी काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं पाइथन में। सो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, 100 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इस प्लेलिस्ट में मैंने एकदम बिगनर लेवल से पाइथन सिखाना स्टार्ट किया है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, ऑपरेटर्स क्या हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, उसके बाद मैंने सारे डेटा टाइप्स कवर किए हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप कवर किया है, उसके बाद मैंने लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी कवर किया है,
ठीक है, तो अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करते हो, ये ब्लू थंबनेल वाले वीडियोस अगर आप सारे देख लेते हो, तो आपके बेसिक्स एनीवेज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये ब्लैक थंबनेल वालों में आपको एक वीडियो देखना है पाइथन फंक्शंस का, ठीक है, क्योंकि आप इसको यूज करोगे। सो इतना सफिशियंट है, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है पाइथन में इस पॉइंट पे सीखने का, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब ओपी क्या होता है? ओपी एक अलग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसको यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने में। तो इसका बहुत यूज आपको दिखेगा जब आप डेटा एनालिस्ट का काम करोगे डे टू डे बेसिस पे, आप जो लाइब्रेरीज वगैरह यूज करोगे उनको बनाने में भी ओपी का यूज होता है। तो मेरे चैनल पे ये एक 4 घंटे का वीडियो है जहां पे मैंने एकदम डिटेल में बिल्कुल बच्चों की तरह ओपी समझाया है। और अगर आप एक बार ये वीडियो एंड टू एंड देख लो, सिर्फ देख लो, तो फिर आपको कभी ओओपी में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इतना करने के बाद आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे, स्पेशली फाइल हैंडलिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फाइल हैंडलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग में आप क्या सीखते हो कि कोई दूसरे जगह पे पड़ी हुई फाइल को कैसे उठा के पाइथन में यूज करना है, ठीक है। तो ये एक वीडियो है एड्यूरेका चैनल का जो मुझे लगता है काफी सही है। इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में फाइल हैंडलिंग के बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो कवर की हैं। तो ये वीडियो देखने से आपका फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड चीज जो आपको सीखनी है वो है रेगेक्स मॉड्यूल। सो रेगेक्स मॉड्यूल इज अ लाइब्रेरी इन पाइथन जिसको यूज करके आप किसी भी टेक्सचुअल डेटा के अंदर से किसी भी तरह का पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप कल को लेट्स से कोई टेक्सचुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे जो डेटा है वो टेक्सचुअल है, ठीक है, तो वहां पे ये मॉड्यूल आपको बहुत काम आता है। रेगेक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, दैट इज वाई पाइथन में भी है, एंड ट्रस्ट मी सर्टन सिनेरियोज में बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगेन इट इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसको बहुत यूज किया जाता है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के स्पेस में, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा, कल को आप किसी का कोड पढ़ रहे होगे तो हो सकता है उसने फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करके कोड लिखा हो और वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फंक्शनल प्रोग्रामिंग आना चाहिए, स्पेशली हाउ टू यूज मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, लैम्डा फंक्शंस एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस। ये तीनों चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, सो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो। लास्टली आपको एक और लाइब्रेरी सीखनी चाहिए जिसका नाम है फ्लास्क। फ्लास्क एक लाइब्रेरी है जिसको यूज करके पाइथन में आप वेबसाइट्स बना सकते हो। अब वेबसाइट्स क्यों बनानी चाहिए? मैंने आपको जैसा कि बताया है, आपका एक डे टू डे टास्क होगा डैशबोर्ड्स बनाना अपनी कंपनी के लिए, अपने कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए। तो वो डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आपको फ्लास्क की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, आपको बस ये 1 घंटे का वीडियो देखना है फ्लास्क के ऊपर, मेरा ही वीडियो है। मैंने बहुत प्यार से स्क्रैच से फ्लास्क को कैसे यूज करके वेबसाइट बनाई जाती है वो सिखाया है, और अलोंग द वे मैंने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फ्लास्क में और जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी रिसोर्स फॉलो करने की। लास्टली मुझे लगता है कि पाइथन एक ऐसी चीज है जो आप तभी अच्छे से सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ वीडियोज देखने से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। सो दैट इज वाई मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट काइंड ऑफ यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे मैंने खूब सारे प्रोग्राम्स लिस्ट डाउन कर रखे हैं। और इन प्रोग्राम्स की खासियत यह है कि ये शुरू में बहुत सिंपल है, फिर धीरे धीरे इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप ये रोड मैप फॉलो कर रहे हो, जब आप ये सारी चीजें सीख रहे हो, साथ ही साथ आप ये प्रोग्राम्स लगाओ। यहाँ पर कुछ 30-35 प्रोग्राम्स हैं, अगर आपने ये सारे लगा लिए, ट्रस्ट मी पाइथन में उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पूरी चीज को कवर करने में आपको लगभग 2 हफ्तों का टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, प्लस माइनस हो सकता है, बट 2 हफ्तों में आप पाइथन सीख जाओगे। सो गाइज, अगली चीज जो आपको सीखनी है वो है पाइथन में 2 लाइब्रेरीज। पहली लाइब्रेरी है नमपाई। नमपाई इज बेसिकली लाइब्रेरी जिसमें आपको एक डेटा टाइप मिलता है जिसको हम एनडी एरे बोलते हैं, एन डायमेंशनल एरे, जो कि बहुत यूज होता है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस की फील्ड में। इनफैक्ट आगे की जितनी भी लाइब्रेरीज आप पढ़ोगे उसमें फंडामेंटली नमपाई एरेस को ही यूज किया जाता है। सो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है।
तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है ऑनेस्टली। नंपाई में जो चीजें कवर करनी है वो बहुत कम है। आपको बेसिकली नंपाई एरेज को क्रिएट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, उसके ऊपर किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है 13 वीडियोस का, अगर आप ये 13 वीडियोस देख लेते हो इससे ज्यादा नंपाई की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक गिटहब नोटबुक जुगाड़ा है जहाँ पे 100 नंपाई एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी। अगर आप ये 100 नंपाई एक्सरसाइजेस कर लेते हो उसके बाद तो फिर कोई सीन ही नहीं है कि आपको नंपाई में कभी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। सो ये दो चीजें प्लीज मेक श्योर आप कर लो। ये रहा वो एक्सरसाइज, अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सारे क्वेश्चंस नहीं भी करो तो चलेगा क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है जैसा मैंने देखा था, बट अगेन इसमें से अगर आप 60-70% क्वेश्चंस कर लेते हो आपको नंपाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली जो लाइब्रेरी है वो नंपाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइब्रेरी का नाम है पैंडास, और अगर आपको नहीं पता तो पैंडास इज द मेन लाइब्रेरी जिसके साथ आप काम करोगे। इसी को यूज करके आप डेटा एनालिसिस करोगे, इसी को यूज करके आप अपने डेटा से क्वेश्चंस पूछोगे और आंसर्स रिट्रीव करोगे। तो ये डेटा एक्सप्लोरेशन की लाइब्रेरी है पैंडास, और बहुत ही पावरफुल है। देर आर सो मेनी फंक्शंस कि आप किसी भी तरह का क्वेरी अपने डेटा पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए अगेन मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट है जिसमें 21 वीडियोस हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पैंडास का वो मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए ये गिटहब रेपोजिटरी लाया हूँ जिसमें 100 पैंडास के पजल्स हैं, और आप इसको अगर कर जाते हो तो फिर आपको कम परेशानी होगी फ्यूचर में जब भी आप पैंडास के साथ काम करोगे। सो ये रहे वो क्वेश्चंस पैंडास के, ठीक है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज मेक श्योर आप ये करके ही आगे बढ़ो। नेक्स्ट गाइज, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। सो एज अ डेटा एनालिस्ट अगेन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करना, और बहुत बार क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन जो आप जनरेट करोगे वो ग्राफ्स के फॉर्म में होता है। सो डेटा विजुअलाइजेशन तो हर डेटा एनालिस्ट को आना ही चाहिए, नॉट ओनली आना ही चाहिए, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग दो लाइब्रेरी सीखेंगे फिर से पाइथन की, जिनको यूज करके आप किसी भी डेटा के ऊपर ग्राफ्स प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। ये दो लाइब्रेरीज है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। सो मैटप्लॉटलिब कवर करने के लिए आपको कोरी शेफर के चैनल पे ये एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे 10 वीडियोस हैं। अगर आप ये 10 वीडियोस देख लेते हो तो आपके मैटप्लॉटलिब जो बेसिकली जो कोर लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन की इन पाइथन, उसकी समझ डेवलप हो जाएगी। और फिर आप क्या कर सकते हो, सीबॉन पे मूव कर सकते हो। मेरे चैनल पे देर आर 10 वीडियोस जो आप देख करके सीबॉन सीख सकते हो। सीबॉन मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी हुई एक लाइब्रेरी है जो थोड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इन द सेंस आपको कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह के प्लॉट्स मैंने कवर किए हैं, स्कैटर प्लॉट कवर किया है, बॉक्स प्लॉट किया है, हीट मैप्स कवर किए हैं, जॉइंट प्लॉट्स किए हैं, पेयर प्लॉट्स किए हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके प्लॉट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अगर आप एक बार ये सब कुछ पढ़ लेते हो और साथ में प्रैक्टिस कर लेते हो जो भी इन वीडियोज में कराया गया है, तो फिर इन दोनों लाइब्रेरीज में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आपने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया, इसका मतलब आपने दो चीजें कर ली, आपने पाइथन सीख लिया और उससे रिलेटेड जितनी लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए उनसे उनके ऊपर भी आपने काम कर लिया। अब ये सही टाइम है मेरे हिसाब से गिट और गिटहब सीखने के लिए। अब गिट और गिटहब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज बेसिकली अ टूल जिसको यूज करके आप कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कर सकते हो। सो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट क्या है और उसकी क्या जरूरत है, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि मोस्ट लाइकली जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आप अकेले डेटा एनालिस्ट नहीं होगे, हो सकता है कि आपके साथ और भी डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो। सो लेट्स से कल को अगर आपको एक डैशबोर्ड बनाने को दिया जाए और वो काम 5 लोगों में डिवाइड किया जाए, सो आप 5 लोग सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, इसी को कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। कई बार ऐसा होगा किसी दूसरे डेटा एनालिस्ट का काम आपको रिक्वायर्ड होगा और आपका काम किसी और को रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप गिट और गिटहब यूज करते हो, और ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट करते हो। सो अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली मस्ट कि आपको गिट और गिटहब चलाना आना चाहिए, ठीक है।
सो मैंने क्या किया है, मैंने अपने एक चैनल का वीडियो यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ये 50 मिनट्स का वीडियो है, और इन 50 मिनट्स में अगर आप एक बिगिनर हो, वहां से आपको इंटरमीडिएट लेवल तक गिट और गिटहब की नॉलेज ये वीडियो दे देगा। एक बार आप साथ में ये वीडियो चला के देख लो, उसके बाद आपको इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए गिट और गिटहब में। इतना सीखने के बाद हम लोग फोकस करेंगे अब डेटाबेसेस के ऊपर। सो डेटाबेसेस क्या होते हैं, आई गेस आपको पता है। डेटाबेसेस वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड होता है, और एज अ डेटा एनालिस्ट डेटाबेसेस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उस कंपनी का डेटा किसी डेटाबेस में है, और आपको एनालिसिस करने के लिए पहले डेटा को डेटाबेस से लाना है और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना है। तो आपको एक लेवल ऑफ कंफर्ट होना चाहिए डेटाबेसेस के साथ काम करने में। अब अगर आपको पता नहीं है तो डेटाबेसेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सीक्वल बेस्ड और एक होते हैं नो सीक्वल बेस्ड। आपको दोनों के ऊपर थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑल दो ज्यादातर आपको सीक्वल के ऊपर काम करना पड़ेगा, बट हो सकता है किसी रेयर केस में किसी कंपनी में आपको नो सीक्वल के ऊपर भी काम करने बोल दिया जाए। सो सीक्वल में करना तो काफी कुछ है, बट मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रोड मैप वीडियो बना रखा है जिसको देखने से आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा कि सीक्वल कैसे सीखना है। तो ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार देखने को, और इस वीडियो में मैंने आपके साथ रिसोर्सेज भी शेयर किए हैं कि सीक्वल कैसे सीखा जाए, और वो सारे रिसोर्सेज इस डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, सारे बुक्स का नाम, फ्री कोर्सेज का नाम, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, और इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सब कुछ एक जगह पे मैंने करके दे दिया है। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ फॉलो करने में डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि इतना सारा चीज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरा ये 6 घंटे का वीडियो देखो जहां पे मैंने सीक्वल एकदम बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ाया है। अगर आप ये 6 आवर्स का वीडियो फॉलो कर पाते हो और इसमें जो कोर्स मैंने कराए हैं वो साथ में कर लेते हो, तो बिगिनर लेवल पे आपको सीक्वल आ जाएगा, और धीरे धीरे फिर आप ग्रेजुअली सीखते जा सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा टू लर्न सीक्वल। सेकेंड, नो सीक्वल डेटाबेसिस की अगर बात करो तो फिर सबसे फेमस जो डेटाबेस वहां पे यूज होता है वो है MongoDB। अब नो सीक्वल डेटाबेसिस जनरली उन कंपनीज में यूज होगा जहां पे बहुत बड़े स्केल पे डेटा आता है, जिसको बिग डेटा बोला जाता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको आप टेबुलर डेटा की तरह स्टोर नहीं कर सकते, तो वहां पर MongoDB बहुत यूजफुल है। सो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट अरेंज कर रखी है इस चैनल की, प्रोग्रामिंग नॉलेज। यहाँ पे 23 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बस ये वीडियोस एक एक करके देख लेना है, और इसके अंदर का जो कोड कराया जा रहा है वो आपको साथ में कर लेना है, और उससे ज्यादा MongoDB आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो अराउंड 2 हफ्तों में आप डेटाबेसेस भी मास्टर कर पाओगे। लास्टली, आपको कोडिंग सेक्शन में दो और चीजें पढ़नी है, ये दोनों एक्चुअली पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, एक है प्लॉटली और दूसरा है स्ट्रीमलेट। ठीक है, सो ये दोनों क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज करके आप नॉट ओनली ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, आप वेबसाइट्स भी बना सकते हो, मतलब उन ग्राफ्स को तुरंत से वेबसाइट में दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका फ्रंट एंड बन जाता है आपके डेटा एनालिसिस का। ठीक है, सो आपने कुछ डेटा एनालिसिस किया अपने लैपटॉप में, अब आपको उसको सभी लोगों को दिखाना है, या लेट्स से एक डैशबोर्ड बना करके अपने स्टेक होल्डर्स के सामने रखना है, तो आप झट से प्लॉटली या फिर स्ट्रीमलेट को यूज करके ये काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड एंड शेयर डेटा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दोनों लाइब्रेरी सीखनी जरूरी है क्योंकि इससे आप झट से बहुत ईजिली डेटा डैशबोर्ड्स बना सकते हो। अगर आपको प्लॉटली सीखना है तो आप मेरा ये 2 घंटे का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं, ये मैंने इस 2 घंटे के वीडियो में बताया है। और डैश अगर आपको सीखना है, डैश इज बेसिकली प्लॉटली का पार्ट जिसको यूज करके आप वेबसाइट्स बनाते हो, तो ये करने के लिए आपके पास ये 5 वीडियोज हैं। ये 5 वीडियोस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक वेबसाइट बनाई जाती है यूजिंग डैश, और उस वेबसाइट के अंदर कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हो। लास्टली, अगर आपको स्ट्रीमलेट सीखना है तो ये हर्ष गुप्ता नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको 9 वीडियोज में स्ट्रीमलेट सिखाया गया है। इससे ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी ये दोनों लाइब्रेरीज कंप्लीट हो जाती हैं। सो गाइज, वंस यू आर डन विद द कोडिंग पार्ट,
अब आपको मूव करना है कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट में। यहाँ पे आप वो सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे जो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डे टू डे बेसिस पे हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको सीखना है स्टैटिस्टिक्स, जो कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरी चीज जो आपको बहुत हेल्प करेगी वो है टू लर्न डेटा एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इन दोनों के प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करना है। दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। मैंने सबसे पहले वीडियो में यही समझाया है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा कैसा होता है, उसके बाद अलग अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ पे आप मीन मीडियन मोड पढ़ोगे, मेजर्स ऑफ स्प्रेड जहाँ पे आप वेरियंस पढ़ोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जी स्कोर क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, ये सब कुछ आपको पहले वन गो में पढ़ना है। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये लाइक फर्स्ट पार्ट है जो आपको आना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको मूव करना है इस प्लेलिस्ट के ऊपर जहां पे मैंने आपको डेटा एनालिसिस प्रोसेस के बारे में बताया है। सो जब भी आपको डेटा सेट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि चलो भाई इसके ऊपर डेटा एनालिसिस करके दिखाओ, तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको करने होते हैं जिसमें पांच अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वही मैंने इस पूरे प्लेलिस्ट में कवर किया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वीडियो जहां पे मैंने एक ओवरव्यू दिया है उन पांचों स्टेप्स का। उसके बाद अगले जो वीडियोस हैं वहां पे मैंने उन पांचों स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके दिखाया है अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर। तो ये भी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट के लिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आपको मूव करना है ईडीए के ऊपर। सो ईडीए क्या होता है, ये पूरे के पूरे डेटा एनालिसिस प्रोसेस में जैसा कि मैंने बताया पांच स्टेप्स होते हैं, उनमें से थर्ड स्टेप होता है ईडीए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ईडीए का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहां पे आप सच में डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं जैसे कि यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, मल्टीवेरिएट क्या होता है। ये इन चीजों को कवर करने के लिए मैंने अपने वीडियोज यहाँ पे डाल रखे हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस नटशेल में आप बोलते हो उस चीज को जब आपके पास पूरा डेटा सेट है और आप उसके किसी एक सिंगल कॉलम के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, जैसे कि एक सिंगल कॉलम का मीन क्या है या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है। ठीक है, साथ में आपको कभी कभी बाईवेरिएट एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब दो कॉलम्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, दैट इज बाईवेरिएट एनालिसिस। और कभी कभी दो से ज्यादा कॉलम्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उसको हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। उसके बाद एक टूल है पैंडास प्रोफाइलिंग टूल, विच इज बेसिकली अ लाइब्रेरी इन पाइथन, जिसको यूज करके आप ऑटोमेटेड ईडीए कर सकते हो, ये भी आपको सीखना चाहिए। और ये तीन चार चीजें सीखने के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए कैगल से नोटबुक्स उठा के दी हैं अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर, और सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। सो ये एक एग्जांपल है उस तरह की नोटबुक का, जहाँ पे जिस भी बंदे का ये नोटबुक है उसने एक डेटा सेट को उठाया है और उसके ऊपर स्क्रैच से ईडीए परफॉर्म किया है। यू कैन सी सारे ग्राफ्स वगैरह प्लॉट किए हैं, अपना कंक्लूजन वगैरह उन्होंने टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, तो जैसे ये टाइटैनिक वाले डेटा सेट के ऊपर ईडीए किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने कुछ 15 नोटबुक्स आपके लिए अरेंज किए हैं कैगल के जो बेस्ट नोटबुक्स हैं अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर, हार्ट डिजीज के ऊपर, आईपीएल के ऊपर, वाइन डेटा के ऊपर। ठीक है, तो आपका काम है इस तरह के सारे जो आपके डेटा सेट्स हैं उसके ऊपर ये जो नोटबुक्स हैं इनको आप एक बार फॉलो करो और हो सके तो खुद से उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। सो गाइज, अगर एक बार आपने यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, अब बस आपको दो चीजें और करनी है। आपको एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स कवर करना है जो कुछ जगहों पे बहुत हेल्प करता है। आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं लाइक कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्यूक्यू प्लॉट्स क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, और जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं सारे वो आपको कवर करने पड़ेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी में यू हैव टू कवर टॉपिक्स लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम, और जितने भी अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो भी आपको कवर करने हैं। मैंने यहाँ पे दो प्लेलिस्ट अटैच कर रखा है, यहाँ पे सारे वीडियोस मैंने अरेंज कर दिए हैं इन प्लेलिस्ट में। आप इनको फॉलो करोगे, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने पे आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा
और इस वाले को आप फॉलो करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपने अभी तक कोडिंग और कॉन्सेप्ट्स अपने कवर कर लिए हैं तो जो लास्ट चीज बचती है वो है टूल्स मास्टर करना। सो एज अ डेटा एनालिस्ट डे टू डे बेसिस पे आपको किस कई तरह के टूल्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीन टूल्स लिस्ट किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैबल्यू और पावर बीआई, ठीक है। माइंड यू, ये टूल्स अगर आप ना सीखो तो भी आप इंटरव्यूज में बैठ सकते हो, बट अगर ये टूल्स आपको आते हैं तो इनमें पोटेंशियल है आपकी सैलरी बढ़ा देने का, ठीक है। इनका बहुत डिमांड इंडस्ट्री में, और हमेशा उस डेटा एनालिस्ट को प्रेफर किया जाएगा जिसको नॉट ओनली कोडिंग आती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट उसको ये टूल्स भी चलाने आते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि एक बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है और बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। डीप विद इन हम सभी ने कभी ना कभी इसके ऊपर एक बेसिक कोर्स किया होगा, बट ऑनेस्टली उतने नॉलेज से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना पड़ेगा। हमें एक्सेल के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सीखने पड़ेंगे, पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देखना पड़ेगा, एक्सेल में डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्सेल मैक्रोज एंड वीबीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फाइनली डेटा एनालिसिस कैसे करना है अगर आपको सिर्फ एक्सेल यूज करके डेटा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मैंने दो रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड किए हैं। फर्स्ट, सिंपली लर्न चैनल का ये एक 8 घंटे का वीडियो है जहाँ पे इन लोगों ने बेसिक लेवल पे जो भी एक्सेल रिक्वायर्ड होता है डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्होंने 8 घंटे में सिखाया है। दिस इज अ गुड वीडियो, जितने भी टॉपिक्स मैंने वहां पे लिस्ट किए हैं इस वीडियो में कवर हुए हैं। ऑल्सो अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हो तो देर इज दिस चैनल कॉल्ड चंदू, ठीक है। ये चैनल फोकस्ड है टुवर्ड्स एक्सेल एंड पावर बीआई। यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स और अलग अलग टाइप के एक्सेल रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, तो आई वुड रिकमेंड आप एक बार इस चैनल को जाओ और सब्सक्राइब करो और इसके वीडियोस एक्सप्लोर करो, यू वुड गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन एक्सेल, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज टैबल्यू। सो टैबल्यू एक बीआई टूल है, बीआई टूल मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, ठीक है। और इसका काम है बहुत अलग अलग तरह का काम ऐसे सॉल्व होता है इसको यूज करके, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डैशबोर्ड्स बनाना। सो आप टैबल्यू को यूज करके डैशबोर्ड्स बना सकते हो, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हो, लाइव डैशबोर्ड्स बना सकते हो, और लाइव डैशबोर्ड्स का मतलब है ऐसा डैशबोर्ड जो लाइव डेटा से कनेक्टेड है, मतलब जैसे जैसे डेटा में चेंजेस होंगे आपका डैशबोर्ड भी चेंज होगा, ठीक है। तो टैबल्यू सीखना बहुत जरूरी है आज की डेट में। आप के लिए मैंने ये कोर्स एक खोजा है डेटा कैंप वेबसाइट का, फ्री कोर्स है ये, और इसमें इनिशियल लेवल पे आपको जितना भी टैबल्यू आना चाहिए वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो टैबल्यू सीखना आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। द थर्ड वन इज पावर बीआई। ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। ऑनेस्टली टैबल्यू और पावर बीआई दोनों सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर सॉफ्टवेयर है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को सीखना चाहिए टाइम बचाने के लिए। लेट्स से अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करने जा रहे हो जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स यूज करती है तो फिर आपको पावर बीआई सीखना चाहिए, और अगर आप ऐसी किसी कंपनी में जा रहे हो जो टैबल्यू यूज करता है तो ऑब्वियसली आपको टैबल्यू सीखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों चीजें सीख सकते हो साइड बाय साइड, बट अगेन आई वुड रिकमेंड कोई एक चीज कर लो, ठीक है। अगेन अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो आप ये YouTube चैनल है चंदू, यहाँ पर जाकर के Power BI भी सीख सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट है Power BI के ऊपर, ठीक है। तो यही रिसोर्सेज हैं और यही तीन टूल्स आपको मास्टर करने हैं, और भी कुछ टूल्स हैं जैसे ClickView है और इस तरह के कुछ और टूल्स हैं, बट इनिशियली आई वुड नॉट रिकमेंड 50 टूल्स सीखो, ये तीन मेन टूल्स पे फोकस करो और अपना नॉलेज बढ़ाओ। सो लास्टली गाइज, अगर आपने कोडिंग कॉन्सेप्ट्स और टूल्स तीनों चीजें मास्टर कर ली है तो आपको जो लास्ट चीज करनी चाहिए वो है आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि आपने जो भी सीखा आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो और कंक्रीट होता है। सेकेंड फायदा ये होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो अच्छे प्रोजेक्ट्स तो वो आपके पोर्टफोलियो में एड हो जाते हैं और वो काइंड ऑफ आपके लिए मार्केटिंग का काम करते हैं। सो कल को इंटरव्यू में बैठने पे यही प्रोजेक्ट्स आपको जॉब दिला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। ऑनेस्टली अभी टाइम नहीं मिला मुझे,
बट कुछ दिनों में मैं इस लिस्ट को और अपडेट करूंगा, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स देखेंगे. बट फिलहाल मैं आपको चार प्रोजेक्ट्स बताता हूँ, चार प्रोजेक्ट आइडियाज देता हूँ. द फर्स्ट वन इज टू बिल्ड एन एक्सपेंस ट्रैकर ऐप. सो आपने शायद यूज भी किया होगा. आपको बेसिकली एक वेबसाइट बनाना है जहां पर एक यूजर अपने खर्चे अपलोड कर सकता है कि उसने खर्चा क्या किया, किस चीज पे किया, कब किया, कितने रुपए का किया. इस तरह का सारा डेटा आप यूजर से लोगे और फिर एक पीरियड के बाद आप उसके ऊपर एनालिसिस रन करके दिखाओगे. आप कई चीजें बता सकते हो उसको कि उसका खर्चा करने का पैटर्न क्या है, किन कैटेगरीज में उसका खर्चा ज्यादा होता है. आप एक हीट मैप बना सकते हो जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि किस टाइम पे वो बंदा ज्यादा खर्चा करता है. ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा एनालिसिस करके दिखा सकते हो इनसाइड एन एक्सपेंस ट्रैकर ऐप. तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है. अगर आप इसको एंड टू एंड कंप्लीट प्रोडक्ट की तरह बना पाओ तो ये बहुत इंपैक्ट करेगा आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में. ठीक है, द सेकेंड वन इज आईपीएल का डैशबोर्ड. सो आईपीएल हम सभी फॉलो करते हैं, क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. इसका डेटा सेट अवेलेबल है कैगल के ऊपर. अगर आप चाहो तो इसको यूज करके टैबल्यू या फिर पावर बीआई में एक प्रॉपर डैशबोर्ड बना सकते हो जहां पे आप ड्रॉप डाउन से किसी प्लेयर को सेलेक्ट करके उसका सारा का सारा रिकॉर्ड देख सकते हो, टीम वर्सेस टीम रिकॉर्ड देख सकते हो और बॉलर का रिकॉर्ड देख सकते हो, स्टेडियम में कैसा हुआ उसका रिकॉर्ड देख सकते हो. तो आप एक प्रॉपर एग्जॉस्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो, जो भी उस डैशबोर्ड पे जाए उसको आईपीएल का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए. ठीक है, सो मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है यूजिंग टैबल्यू. तो आप चाहो तो ये 11 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, इसको फॉलो कर सकते हो. बेसिक लेवल डैशबोर्ड बनाया है लेकिन इसको देख करके आप एडवांस लेवल आराम से बना सकते हो. ठीक है, थर्ड प्रोजेक्ट है कोविड डैशबोर्ड. सो अभी कोविड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली और अभी भी चले जा रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपने आई एम श्योर कोई ना कोई वेबसाइट ऐसी देखी होगी जहां पे आपको सारा का सारा डिटेल्स डेटा अबाउट कोविड मिलता है कि कितने लोगों को अभी तक हुआ, कितने लोग रिकवर कर गए, कितने लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, कंट्री वाइज, इंडिया में स्टेट वाइज. इस तरह का डेटा आपके पास अवेलेबल है. आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगेन उसको यूज करके एक इस तरीके का डैशबोर्ड बना सकते हो. ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो बना रखा है अराउंड 2 घंटे का जिसमें मैंने प्लॉटली यूज करके ये डैशबोर्ड बनाया है. आप चाहो तो इसको प्लॉटली से कर सकते हो या फिर आप टैबल्यू या फिर पावर बीआई में भी इस सेम चीज को कर सकते हो. ठीक है, आप इसको एक लाइव डैशबोर्ड भी बना सकते हो. लाइव डैशबोर्ड का मतलब लाइव डेटा से कनेक्टेड है, जैसे जैसे डेटा आते जा रहा है ये डैशबोर्ड में चेंजेस होते जा रहे हैं. ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो. और लास्टली जो आखिरी प्रोजेक्ट है वो है व्हाट्सएप चैट एनालिसिस. यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को अपलोड करके बहुत तरीके का एनालिसिस कर सकते हो. अगेन मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, और इस वीडियो में मैंने एक व्हाट्सएप चैट एनालाइजर स्क्रैच से बनाया है जहाँ पे आप अपने पर्सनल चैट्स भी अपलोड कर सकते हो. आप अगर किसी ग्रुप में हो तो आप उस ग्रुप का चैट भी अपलोड कर सकते हो और ये आपको कई तरीके का एनालिसिस बताएगा. जैसे यहाँ पे यू कैन सी टोटल मैसेजेस कितने रहे, कितने वर्ड्स रहे, मीडिया फाइल्स कितनी रही, लिंक्स कितने रहे, मंथली टाइमलाइन कितना रहा, लाइक किस तरीके से आप एक्टिव रहे, इस तरीके का बहुत सारा चीज. इमोजीज के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो. तो बहुत पॉसिबिलिटी है. ये थोड़ा अलग सा प्रोजेक्ट है बिकॉज यहाँ पे जो डेटा है वो टेक्सचुअल है. ठीक है, तो ये चार प्रोजेक्ट्स मेरे हिसाब से आप फॉर स्टार्टर्स कर सकते हो. धीरे धीरे मेरा प्लान है मैं यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स ऐड करूँ और आप चाहो तो वो कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स द रोड मैप गाइस. दिस इज द एंटायर रोड मैप दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड डेटा एनालिस्ट. सो रोड मैप हो गया और अब मुझे बस एक लास्ट चीज आपके साथ डिस्कस करनी है कि अगर आपने 3 महीने रिगरसली उस रोड मैप को फॉलो किया है और वो टेक्निकल स्किल्स आपने डेवलप कर ली हैं तो आगे आपको क्या करना है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब. ठीक है, तो स्टेप्स अहेड में सबसे पहले यस कंप्लीट द रोड मैप. स्टेप 2 में मैं आपको बोलूंगा कि साथ ही साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स और अपने एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर भी काम करते रहो इन पूरे 3 मंथ्स. ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने के कई तरीके हैं. आप ग्रुप में प्रिपेयर करो,
जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको पीपीटी उसका प्रेजेंट करो लोगों के सामने. सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी बाय राइटिंग ब्लॉग्स. जैसे आप ब्लॉग्स लिखते हो तो आपका रिटन कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है. आप यूट्यूब पे मेरी तरह वीडियोस बना सकते हो, अगेन इससे आपका लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा. और इस तरह के आप बहुत सारे जुगाड़ और कर सकते हो इन 3 महीनों में, जहां पर ऑटोमेटिकली ये चीजें आपका सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करेंगी. ठीक है, सेकेंड एनालिटिकल स्किल्स के बारे में मैंने पहले भी बोला था, उसको बढ़ाने के कई तरीके हैं. आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करती है, जैसे कि बुक्स, बहुत सारी बुक्स इस तरह की हैं. सेकेंड आप मूवीज देखो इस तरह का, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, लोगों का इंटरव्यूज वगैरह देखो. ठीक है, सेकेंड आप ब्रेन गेम्स, बहुत सारे आते हैं गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल प्ले स्टोर पे, आप जाकर के डाउनलोड करके खेल सकते हो. मैं एक गेम खेला करता था कुछ साल पहले तक भी, जहां पर मैं वो शेरलॉक वाला इमेज ट्राई करता था, कि जैसे ही मैं किसी को देखता था मैं उसके बारे में 4-5 चीजें ऑब्जर्व करके अपने दिमाग में नोट डाउन करता था. तो बेसिकली द आइडिया इज टू इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स. ठीक है, एनालिटिकल स्किल इंप्रूव करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो. तो जो भी चीजें आप अपने चारों तरफ देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करना, उसको नोट डाउन करना, उससे चीजें डिड्यूस करना, यही सब होता है एनालिटिकल स्किल्स में. ठीक है, तो ये अगेन आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, तुरंत नहीं बढ़ेगा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड सी कि हाँ यार इम्प्रूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, थर्ड थिंग आई वुड से इज कि इतना सब कुछ करने के बाद बिल्ड अ किकैस पोर्टफोलियो. मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है इस चीज के बारे में कि एक बार आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो. ठीक है, योर पोर्टफोलियो इंक्लूड्स योर रेज्यूमे, योर कवर लेटर, योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आपका गिटहब प्रोफाइल, और अगर हो सके तो आपका मीडियम प्रोफाइल जहां पे आप ब्लॉग्स वगैरह लिख के रखो. और अगर एक बार आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया उसके बाद आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट नेटवर्किंग. ठीक है, जॉब हंटिंग आपको ही करना पड़ेगा, और जॉब हंटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग कई लेवल्स पे आप कर सकते हो, आप अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे एचआर लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप लाइक माइंडेड लोगों से यूट्यूब या फिर डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकते हो. तो ये आपके ऊपर है. इसके ऊपर मैं फिर से फ्यूचर में कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ कैन यू नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेट जॉब्स, बट ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आपने जो सॉफ्ट स्किल्स गेन की है पिछले 3 महीने में उसको यूज करके यू हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क फॉर योरसेल्फ, जहां से आपको आपका पहला डेटा एनालिस्ट जॉब मिल पाए. ठीक है, तो ये रहा ये पूरा का पूरा गाइड, आई गेस ये आपको हेल्प कर पाया. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया, और जो भी रिसोर्सेज मैंने शेयर किए हैं आई होप वो आपको काम आए डेटा एनालिस्ट बनने में. मेरा प्लान है आगे के दिनों में आई एम गोइंग टू प्रोवाइड मोर रोड मैप्स ऑन डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स. अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल का रोड मैप चाहिए है मेरी साइड से तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि किस चीज़ का आपको रोड मैप चाहिए है, और आई ट्राई टू कम अप विथ इट. ठीक है, सो बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इस तरह का और बहुत सारा कॉन्टेंट जल्दी जल्दी आने वाला है. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.